अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विथ हूर। किचन विथ हूर में मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट सा एक हेयर पैक की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बालों को मजबूत करेगा। टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल ड्राई हो गए हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही और बाल जो कि बहुत ही ऐसे हो गए हैं, फिजी से हो गए हैं, उसके लिए ज़बरदस्त सा ये एक पैक है। आप इसको ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जो लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, इनका बेहद शुक्रिया। हमेशा साथ देते रहिएगा, अपनी बहन की मदद किया करें जहाँ तक भी आपकी रसाई, अपने मिलने वालों में, फैमिली फ्रेंड में, व्हाट्सअप फेसबुक पर मेरे चैनल के लिंक को जरूर शेयर किया करें। तो चलते हैं इसकी आसान सी इस रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे 1,000 टमाटर चाहिए, ठीक है जी। नंबर 2 पर जो हमारे पास ये चीज़ें हैं ये देख लें आप, ठीक है। इन चीज़ों में ये देखिए, ये मेरे पास आप ब्लैक कलर के जो ये सीड देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के ये हैं प्याज के बीज, ठीक है, और अनारदाना, ठीक है, और मेथी दाना, और इसके अंदर हमने डाली है राई, ठीक है। ये जो तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल के रात भर हमने इनको भिगो दिया था। अनारदाना, राई, कलवंजी और सॉरी प्याज के बीज और मेथी दाना, तो आधा कप पानी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर डाल के ये हाफ हाफ टीस्पून आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। हाफ टीस्पून अनारदाना, हाफ टीस्पून इसके अंदर मेथी दाना, हाफ टीस्पून राई और हाफ टीस्पून इसके अंदर जो कि प्याज के बीज हैं, ये चीज़ें डाल के। और ये जो टमाटर है इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद ब्लेंडर में डालेंगे और इसको हमने ब्लेंडर के अंदर डाल के ये पानी के साथ ही, और ये टमाटर भी हमने इसके अंदर डाल के, तो इसको मैंने कर देना है ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड करेंगे तो इसके बाद किस तरह इसको इस्तेमाल करना है वो हम बाद में बताते हैं। ये देखो फ्रेंड, इसको हमने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारे पास ये इन तमाम चीज़ों का असर आ गया। इस पानी के साथ ही हमने इसको ग्राइंड कर लिया। और ये मेरे पास है आलमंड ऑयल है, ये मेरा होममेड आलमंड ऑयल है। आप इसकी जगह जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है, या कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल, जो भी आपके घर में मौजूद तेल है। आप इसके अंदर आंवले का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर ये तेल डाल देना। ठीक है जी, ये देखें, इसको हमने इसके अंदर ऑयल डाल और 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर एलोवेरा, ये मार्केट वाली एलोवेरा, ये हमने इसके अंदर डाल देनी। ये डाल के इसको अच्छे से हमने अब कर लेना है मिक्स। और अब आपने इसको लगाना है अपने बालों में, ठीक है, अच्छे से इसको मसाज करना है अपने बालों में, ठीक है जी। इस पैक को आपने कॉटन बॉल की मदद से अच्छे से आपने अपने बालों में, तमाम बालों में अच्छे से लगा लेना, जड़ों से लेकर सिरों तक आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद ये 1.5 घंटा 1.5 घंटा आप इसको लगा रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साथ आपने पानी के साथ वाश कर लेना है, वाश करिएगा, ठीक है। हफ्ते में 3 दफ़ा आप इस पैक को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके ये बालों के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप इस रेमेडी को ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और इसी तरह डिफरेंट सी वीडियो के साथ। अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। और जो कीमती वक्त आपने इस वीडियो को दिया है इसके लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।